बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग में दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर CAA के खिलाफ लगभग 50 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। आज यहां पर कई हिंदू संगठनों को प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन रद्द कर दिया था। दूसरी तरफ आज सुबह 11:30 बजे अचानक 20 से 25 लोग आ गए और शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। ये लोग नोएडा कालिंदी कुंज सड़क को खोलने की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने आज तक से कहा कि वे किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं और आसपास के लोग हैं। आज तक से प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने कहा कि वो ऑटो चलाता है और इस जाम की वजह से अपनी किश्त नहीं दे पा रहा है। पुलिस इन लोगों को समझा रही थी कि अचानक शाहीन बाग के सामने की झुग्गियों से 100 से 150 लोग वहां पर आ गए और सड़क खुलवाने की मांग करने लगे। पुलिस के मुताबिक यहां पर भीड़ बढ़ती गई और कुछ ही देर में महिलाएं भी आ गई। पुलिस इन लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये नहीं माने। ये लोग सड़क पर बैठ गए और शाहीन बाग खाली करो के नारे लगाने लगे। इसमें से कुछ लोगों ने वंदे मातरम और देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए। पुलिस के कहने पर जब ये लोग नहीं माने तो इन्होंने बसों में भर कर ले गए इन लोगों को। हालांकि अभी भी कई लोग वहीं पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहां सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालात को देखते हुए यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों पर सख्ती और चौकसी से निगाह रखते हुए बता दे कि पुलिस आसपास मौजूद लोगों पर सख्ती और चौकसी से निगाह रखे हुए है। बता दे कि शनिवार को शाहीन बाग के पास एक युवक ने हवाई फायरिंग की थी। किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है शाहीन बाग में। SPN 9 न्यूज की रिपोर्ट।